आज हम आए हैं समयपुर वाले बूढ़े बाबा के मेले में, तो हम आप सभी को समयपुर वाला बूढ़े बाबा मेले का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो हम जा रहे हैं अंदर की ओर, यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट है। तो आप सभी देख ही सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है और कितने लोग आए हुए हैं। तो प्लीज़ बने रहना हमारी वीडियो पर, हम आपको बूढ़े मेले का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। आप सभी देखिए यहाँ पर कितने लोग आए और कितनी भीड़ है यहाँ पर। कल हमने अलीपुर भूडपुर मेले का आपको नजारा दिखाया था, तो आज आए हम समयपुर बाली मेले में, तो आपको मेले का पूरा नजारा दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में और हम आपको सारा नजारा दिखाएंगे। देख सकते हैं आप ये मेले। तो चलिए थोड़े पास से भी नजारा दिखाते हैं आप सभी को सारे झूलों का। यहाँ पर हमारा ड्रैगन वाला भी झूला लगाया गया है, आप देखिए इसे। और यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए मिक्की माउस भी लगाया गया है। रुक जा बेटे, सब घुस रहे हैं ना। आप सभी देखते रहिए, मैं आपको यहाँ का सारा नजारा दिखाता हूँ। ये हमारा सुपर मगरमच्छ वाला यहाँ का सबसे बड़ा झूला है, आप सभी देखिए। मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखाता हूँ इसको। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे झूले हैं जो कि मगरमच्छ वाले ही झूले हैं, इसी टाइप के आपको काफ़ी सारे ऐसे झूले मिल जाएंगे। तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ यहाँ पर कितने सारे ऐसे झूले हैं। तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले हैं, देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही झूला लगाया है इन्होंने जो कि ये हाथ से चलता है। ये देखिए पैसा बचत, हाथ से धक्का मार मार के झूला झुलाया जा रहा है। तो ये देखिए छोटे बच्चे का टैलेंट, ये देखिए कहाँ बैठा है मगरमच्छ के मुंह पे।
ये उड़ता हुआ कहीं किसी की गोद में ना आ जाए। यहाँ पर भी हमारा मगरमच्छ वाला झूला वैसा ही है, तो ज़्यादातर यहाँ पर मगरमच्छ वाले ही झूले आपको मिलेंगे। ये हमारा छोटा राम झूला, यहाँ पर वैसे बड़े झूले लगना अलाउड नहीं था, इसीलिए छोटे छोटे झूलों को लगाया गया है। ये हमारा घोड़े वाला झूला, अरे बैठा दे दो ना उसको। ये हमारा छोटे बच्चों के लिए कार वाला झूला है, देखिए ये हाथ से कितनी तेजी तेजी से झूला रहा है। यहाँ से आप सभी बूढ़े बाबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ कुंड का नज़ारा दिखाते हैं आप सभी को। ये कुंड बहुत ही प्रसिद्ध कुंड है, आप सभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कितने सारे लोग हैं जो नहा रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। चलिए हम आपको थोड़ा पास से भी नज़ारा दिखाएंगे। काफ़ी लोगों का यह भी मानना है कि इस कुंड में नहाने से चर्म रोग जैसी बीमारियां ख़त्म हो जाती है और भी कई अनेक प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, इसीलिए यहां पर काफ़ी लोग स्नान करते हैं और यहां पर हाथ मुंह पैर धो के बूढ़े बाबा को उसके बाद प्रसाद चढ़ाते हैं। तो चलिए दिखाता हूं मैं थोड़ा पास से आप सभी को। आप यहाँ भी देखिए, ये लोग पानी में से मिट्टी निकाल के इसी तरह की यहाँ पर पूजा की जाती है। जब तक आप सभी यहाँ का नज़ारा देखिए, मैं आपको जहाँ पे प्रसाद चढ़ा जाता है बूढ़े बाबा को वहाँ का भी नज़ारा दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं वहीं। आप सभी देख ही सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है और कितने सारे पुजारी बाबा आए हुए हैं, और देखिए यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप सभी यहाँ पर देखिए कितने सारे लोगों ने यहाँ पर प्रसाद चढ़ा रखा है, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे प्रसाद का भंडार लगा हुआ है। तो यहीं पर हमारे बूढ़े बाबा की पूजा की जाती है, देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। अंकल बुलाना, चलिए हमने आप सभी को दिखा दिया जहाँ पर पूजा हो रही थी बूढ़े बाबा की। अब चलते हैं मेले की ओर और आपको मेले का भी नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ पर कितने प्रकार के खिलौने वगैरह मिल रहे हैं, तो हम आप सभी को दिखाते हैं। वैसे यहाँ पर 4-5 साल पहले बहुत बड़ा मेला लगता था, लेकिन अब मेला वैसे धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन इस बार मेला यहाँ पर अच्छा लगा है। वैसे झूले बड़े बड़े नहीं लगे हैं, लेकिन यहाँ पर घूमने फिरने की काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर और हाँ, प्लीज़ अगर आप सभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे समयपुर बाली वाले इस मेले में
अंदर जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता मैंने पहले दिखाया था, दूसरा रास्ता हमारा यहाँ से है जो मंदिर मोहल्ले की साइड से पड़ता है। तो आप सभी दोनों में से किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। चलिए हम इस रास्ते से भी अंदर जाके आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। आप सभी देख सकते हैं कितने सारे लोग वापस आ रहे हैं और कितने सारे लोग अंदर जा रहे हैं। तो चलिए अंदर जाके आपको अंदर का भी और नज़ारा दिखाते हैं। और ये हमारा मिक्की माउस है, आप सभी देखिए। वैसे यहाँ पर लाइट की सुविधा कम है, इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे झूले हैं, ज़्यादा बड़े झूले नहीं लगाए गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप सभी भी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाता रहूँगा।